92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहां था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहां आसमां बड़ा हुआ, मुंदी सी आंखों ने जहां फिक्र सोई राती समेटी सपनों में मुस्कान। हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। दिल्ली ने वोटिंग कर दी है और अब फैसला आने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है। एक अच्छी बात दीपक इस बार ये रही, नेता तो हमेशा कहते हैं हमें वोट दो हमें वोट दो, मीडिया ने, जनता ने, सब ने इस बार ये अपील जोर शोर से की कि जिसको भी दो लेकिन वोट जरूर दो। और इसका असर देखने को भी मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 67.14%, जो कि पिछली बार से 1.28% ज्यादा है। इस बार 1,33,00,000 मतदाता थे दिल्ली में, जिनमें से 89,00,000 लोगों ने वोट डाली है, जो कि पिछली बार से 10,00,000 ज्यादा है। और अगर हम तीनों पार्टियों के सीएम कैंडिडेट्स की सीट्स की बात करें तो कृष्णा नगर में 71.97%, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 64.28% और सदर बाजार में 71.71% वोटिंग हुई है। कुल मिला के शांतिपूर्ण मतदान रहा दिल्ली में और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 21 ईवीएम्स खराब हुई थी जिन्हें रिप्लेस कर दिया गया। और रोहतास नगर और दिल्ली कैंट के एक एक पोलिंग बूथ पर आज पुनर्मतदान हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत थी। और इस सब के बीच दिल्ली की गली नुक्कड़ पान की दुकानों में किस तरह की बातें हो रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने आपको एक फेयर इंडिकेशन दे देता हूं मैं आपको कि सेंटर और स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन है ना वो बेटर होना चाहिए। मतलब पूरी दिल्ली में अब यही है कि 50-50 का हिसाब किताब है। पूर्ण बहुमत में चाहिए सरकार। तो देखो, ये हंग असेंबली तो कहीं भी अच्छी नहीं होती ना, वो तो फिर अब इलेक्शन होते रहेंगे तो उसमें फायदा क्या है, नुकसान पब्लिक का है, देश का है। जो भी आए, एक सरकार पूर्ण बहुमत की चाहिए हमें। किसी एक को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, किसी पार्टी को मिले पूरी बहुमत मिलनी चाहिए। लास्ट एक साल में देख लीजिए कितनी दिक्कत हुई है दिल्ली में। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले एजुकेशन हो, उसके बाद ट्रैफिक हो और फिर वोटर हो, बाकी तो सब चीज ओके है दिल्ली के अंदर। जनता तो ये चाह रही है कि जो भी सरकार बने बहुमत में बने, मिलके ना बने। मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ज्यादा पसंद आई जब नजीब जंग काम कर रहे थे तो, बिकॉज ही डिड ट्रेमेंडियस वर्क। जी हाँ, होनी तो चाहिए पूर्ण बहुमत की, अब बिना पूर्ण बहुमत के मजा नहीं आता सर। तो ये तो हो गई जनता की राय कि पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए इस बार किसी भी पार्टी को। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक होता क्या है दरअसल, पार्टियां क्या क्या करती हैं, ये सब जानेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी से, जो कि डीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे। लेकिन ये सब कुछ ही देर के अंदर। फिलहाल याराना फिल्म का गाना लगाया आपके लिए, इसका लुत्फ उठाइए सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। किशोरदा के साथ रेखा जी की आवाज, कहानी किस्मत की फिल्म का था ये गाना, सुनाया आपको 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दीपक आपके साथ है, दीपक के साथ है ऋचा अनिरुद्ध, दिल्ली के नंबर वन मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ाया करते थे। डॉक्टर मुखर्जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, अब वोटिंग हो गई है, अब टेक्निकल प्रोसीजर क्या है आगे के लिए? चुनाव जब हो जाता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली एक डिक्लेयर करता है और हर एक विनर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो प्रोसेस है कि आप जीत गए, आप हार गए, तो अब आपको जो वेटिंग पीरियड शुरू होता है और स्टेट में गवर्नर के पास जाता है, दिल्ली में प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उन्होंने वो डायरेक्ट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की आप प्रोसीजर शुरू करें।
ये क्लियर मेजोरिटी किसी के पार्टी है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो वेंकट रमन ने एक ट्रेडिशन शुरू किया था, वो करीबन सभी मानते हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी को सबसे बुलाते हैं पहले, जो आप कर सकोगे यानी गवर्नमेंट परमिशन, नहीं कर सकोगे जो सेकेंड लार्जेस्ट, इस तरह प्रक्रिया चलती है जब तक सरकार ना बने। सर परसों दिल्ली में अब तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ है 67.14%, तो इसका क्या मतलब होता है? ज्यादा वोटिंग होती है तो कोई पार्टी को एडवांटेज मिलती है। दिल्ली जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोबिलाइजेशन इतना माने नहीं रखता क्योंकि जगह छोटी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत स्प्रेड आउट नहीं होती है, इसलिए ज्यादा वोटिंग होगा इसका मतलब एक साइड जीतेगा, इसके साथ कोई लिंकेज नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर मुखर्जी। तो अब फैसला तो कल पता चलेगा, लेकिन इस दौरान अलग अलग पार्टियों के दफ्तरों में उनके वॉलंटियर्स के बीच कैसा मूड चल रहा है ये हम जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो आप रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। कुछ राय रखना चाहते हैं अभी तो कॉल लगाएं 3997927 पर। गुड मॉर्निंग। सपनों की रानी हो या सपनों का राजा हो, अब तो जीत के सपने ही सजा रहे हैं जितने भी नेता चुनाव में खड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं, आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर वन मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग। और दीपक मुझे पता है क्या लगता है, नेता तो जो मेहनत करते हैं उनसे कहीं ज्यादा मेहनत उनके समर्थक फॉलोअर्स वॉलंटियर्स करते हैं। दिन रात भाग दौड़, नेताओं के समर्थन में नारे लगाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, एक सलाम इनके नाम जरूर बनता है। बिल्कुल रिच। और ये जो वॉलंटियर्स हैं सभी पार्टियों के अभी भी आराम नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारियों में ये पहले से ही जुट गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसा माहौल है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। मूड में आने लगे हैं लोग एकदम, पटेल नगर में जलसा लगेगा सर, वी ओनली मूव्ड, पिछली बार सीपी था, इस बार पटेल नगर होगा, धमाल होगा, मेट्रो स्टेशन तक ब्लॉक हो जाएगा। इस बार बहुत सारी उत्सुकता है, जीत रहे तो इस बार देखें, उस दिन होली दिवाली दशहरा सब इकट्ठा मनाएंगे, एक जश्न का माहौल होगा उस दिन। हो सकता है कि इस बार सेलिब्रेशन में अरविंद सर का अगले हफ्ते हम रामलीला ग्राउंड में मना रहे हूँ। जश्न तो बहुत अच्छा, बस एक बार यहाँ हो जाए, जीत जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद तो जो होगा धूम देखने लायक होगी, धूम 3 आई थी 4 हम बना देंगे। तो ये तो हो गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी वॉलंटियर्स का मूड कैसा है आइए सुनते हैं। कार्यकर्ता जो जुड़े हैं और उत्साह से काम कर रहे हैं, दिल्ली में सरकार बनने के बाद जश्न पूरी गली मोहल्ले और हर शहर में पूरे दिल्ली में मनाया जाएगा। नमस्कार दिल्ली, मैं प्रवीण शंकर कपूर बीजेपी का मीडिया इंचार्ज हूं और हम बहुत उत्साहित हैं। 10 तारीख को जब विजय होगी तो जहां हमारे कार्यालय में दिवाली मनाई जाएगी वहीं दिल्ली की हर गली में होली और दिवाली एक साथ मनाई जाएगी, और कार्यकर्ता वहां बहुत बड़ी तादाद में रहने वाले हैं, और हम उम्मीद लगाते हैं कि जैसे ही दिन का मध्याह्न होगा यानी कि 12 बजे के लगभग इस कार्यालय में सुनिश्चित रूप से दिवाली मनाई जा रही हो। देखिए जी, ऐसा है जैसे वोट डालना हम सबका अधिकार है, वैसे जीत की उम्मीद रखना हर पार्टी का अधिकार है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, सेलिब्रेशन के मूड में है वो भी। कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, जश्न मनाने के लिए तैयार रहता है, 10 तारीख आने दो, रिजल्ट आएगा, आप जश्न देख लेना, खुद आपके सामने आ जाएगा। वो तैयारियां बताने के लिए थोड़ी है, तैयारी तो तैयारी है। मेरा नाम विजय मोहन है, 10 तारीख का इंतजार है, 10 तारीख को दिल्ली में एक बार फिर दिवाली होगी, कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आएगी। भाई जोश के अंदर इंतजाम नहीं होते, इमीडिएटली हो जाते हैं, ये तो आप भी समझते हैं। शादियों का सीजन है, पटाखे भरपूर हैं, होली आ रही है, रंग बिरंगे रंग बिखरेंगे और कांग्रेस की जीत में पूरी दिल्ली शामिल होगी। चलिए ये तो हो गया कार्यकर्ताओं का उत्साह, लेकिन दिल्ली आप कितने उत्साहित हैं प्लीज हमें कॉल लगाइए और बताइए। 3992797 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। ओम शांति ओम। अब तो हर जगह शांति शांति नजर आ रही है दिल्ली के अंदर जी, क्योंकि इलेक्शन तो हो गए, अब बस काउंटिंग जो है वो कल हो जाएगी, शाम तक हमें हमारी सरकार मिल जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें, दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं, दिल्ली के नंबर वन मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और नेताओं की, वॉलंटियर्स की, जर्नलिस्ट की, आम जनता की, सबकी धड़कनें इस समय तेज हैं। कल का दिन ये बताएगा कि इस शहर में किस पार्टी की सरकार बनेगी।
हमने आपसे कहा था कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हमें कॉल लगाकर बताइए। तो हमारे साथ फोन लाइन पर है बुशरा। मेरा नाम बुशरा है। उम्मीद है कि जो भी सरकार आए, जो भी पार्टी आए, क्लियर मेजोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत देख लिया, हमने आपकी देखी 49 दिन की सरकार, और हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो मेजोरिटी में आए और हम उसके 5 साल देखें। वुमेन सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू फॉर मी। जो भी सरकार आए वो वुमेन इशूज पर काम करे। मनोज त्यागी, यमुना विहार, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। सरकार आए तो पूर्ण बहुमत से आए, नहीं तो किसी की ना आए। सरकार बननी नहीं चाहिए तोड़ जोड़ से, वो चलेगी नहीं। मैं टीना बरुआ हूँ, मैं एक बेटी की मम्मी भी हूँ। ओवर द इयर्स दिल्ली हैज बिकम वेरी अनसेफ फॉर गर्ल्स, स्पेशली रीडिंग द न्यूज़पेपर टुडे अबाउट द नेपाली वुमेन। मेरे लिए, मेरे बेटी के लिए सेफ हो जाए थोड़ा सा। दीपक, ये बात तो सही, एक महिला होने के नाते मेरी भी मांग यही है कि देश की केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, अब जरूरत है कि ये देश महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। आज दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में इतना ही। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल अनु कपूर जी आ रहे हैं आपको सुहाने सफर में लेकर जाएंगे, तो आप उनके साथ जाएं, हमें दें इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे कल सुबह 7 बजे। तो डार्लिंग, स्टिल द टाइम टू मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock। टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।